क्या किसी के मन की बातों को जान लेना, सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये संभव है या नहीं? 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आप यह जान सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके दिमाग को कैसे पढ़ें, उसकी माइंड रीडिंग कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। इस वीडियो में जो प्रयोग बताए गए हैं, उनका अच्छी तरीके से अभ्यास करने से आप भी सामने वाले व्यक्ति के माइंड को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और ध्यान से वीडियो को देखना होगा। जो मैंने इस वीडियो में तरीके बताए हैं, अगर आप उन पर अमल करते हैं, अगर आप उन पर अभ्यास करते हैं, तो आप भी एक अच्छे माइंड रीडर बन जाएंगे। और अगर आप एक अच्छे माइंड रीडर बन गए, तो फिर आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। जैसे हर इंसान चल सकता है, घूम सकता है, सूंघ सकता है, ऐसे ही हर इंसान के पास वो शक्ति होती है कि वो दूसरे के दिमाग को पढ़ सकता है। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम के लोग कैसे एक दूसरे के माइंड को पढ़ लेते थे। दूसरे के दिमाग को पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले आपको खुद के दिमाग को शांत करना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा। उससे ये पता लगेगा कि आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्या आपको आपकी मर्जी के बिना कोई व्यक्ति अपनी बातों में ले सकता है या नहीं? आपने देखा होगा, जब आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, आप उसको थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो आपको सब कुछ बता देता है। ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये व्यक्ति के हाव भाव को देख के, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के, उससे थोड़ा बहुत बातें करके उसके मन की बात जान लेते हैं, और साथ ही वो भी जान लेते हैं जो वो बताना नहीं चाहता। कई बार लोगों को महज ये कहानी लगती है, ये एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। वास्तव में दूसरे के दिमाग को पढ़ा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद, जिसको निरंतर अभ्यास करने के बाद, आप भी एक अच्छे माइंड रीडर बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को समझना होगा, खुद को बहुत सारा समय देना होगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा और स्वच्छ शांत वातावरण में जाके एक आसन लगाने के बाद बैठना होगा। जिस समय आप आसन लगा के बैठे हुए हैं, उस समय आपको किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, और आंखें बंद करने के बाद गहरी सांस लेते हुए अपने चित्त को शांत करना है। धीरे धीरे ये अभ्यास करने से आपका जो चित्त है, जो मन है, वो शांत होता चला जाएगा। इसी योग को महात्मा बुद्ध ने अनापास्थि योग कहा है। इस योग में आपका ध्यान आपकी पूरी सांसों के ऊपर होता है। इससे आपका मन पूर्णतया शांत होता चला जाएगा। जब एक बार आपका मन शांत हो जाएगा, तो आप अपने आसपास की चीजों को गहराई से देखना शुरू कर देंगे और लोगों को गहराई से समझना शुरू कर देंगे। जब आपका मन शांत हो जाता है, तो आपको दूसरों के मन की बातों को समझने में समस्या नहीं होती। जब आपका मन शांत हो जाता है, तो आप दूसरों के मन की बातों को आसानी से समझ पाते हैं। एक शांत चित्त वाला व्यक्ति वो सब कुछ सुन सकता है, जो एक साधारण आदमी नहीं सुन सकता। अगर आप भी दूसरों का माइंड रीड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, उनको बड़े ध्यान से अपने जीवन में अमल करना होगा। जब एक बार आपका मन शांत हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर झांकने की कोशिश करें, उनके मन को समझने की कोशिश करें। लोगों के शब्दों की बजाय उनके हाव भाव पर विचार करें। देखें वो बात करते हुए किस तरीके के हाव भाव रखते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अच्छा माइंड रीडर बनने के लिए ये अभ्यास आपको निरंतर करना होगा। ये प्रयोग एक दिन, दो दिन या एक महीने में सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। जय हिंद, जय भारत।